हेलो इंजीनियर्स आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स जैसे एक नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है द मिनिमम एंड मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शेयर वाल जो हमारा शेयर वाल है उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम थिकनेस कितना तक होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है द मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वाल जो हमारा शेयर वाल है उसका मिनिमम थिकनेस जो होता है डेढ़ सी एंड मैक्सिमम थिकनेस आर शेयर वाल फोर हंड्रेडम mm, या चार सौ एम एम तक होता है मिनिमम डेढ़ सौ एम एम जो मैक्सिमम है वो चार सौ एम एम होता है सियर वाल का थिकनेस जैसे सेकेंड नंबर में जो क्वेश्चन है द डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ क्यूब आर जो हमारा क्यूब है कंक्रीट क्यूब उसका डायमेंशन टॉलरेंस कितना तक होता है द डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ क्यूब आर इसका जो आंसर है प्लस माइनस टू एम एम तक होता है डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ क्यूब क्यूब का डायमेंशन टॉलरेंस प्लस माइनस एम एम तक होता है आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं जो नेक्स्ट है थर्ड नंबर में कंक्रीट क्यूब इन इन फील्ड जो हमारा कंक्रीट क्यूब है उसको कितने लेयर में फिल किया जाता है क्यूब को द कंक्रीट क्यूब इन फिल्ड इन थ्री लेयर में कंक्रीट क्यूब को फिल किया जाता है जैसे नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में द स्लम कोन इज फिल्ड इन इससे पहले था कंक्रीट क्यूब जो चार नंबर में है स्लम कोन सलम कोन को हम कितने लेयर में फिल करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर लेयर में सलम कोन को फिल करते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक नॉलेज के साथ साथ इंटरव्यू में ही बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ जैसे फाइव नंबर में जो क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन कंक्रीट कंक्रीट में कंक्रीट में कितने टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कंक्रीट ज्वाइंट कंक्रीट में मेनली थ्री टाइप्स का ज्वाइंट होता है एक है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट दूसरा जो है एक्सपेंशन ज्वाइंट जो तीसरा है कंट्रैक्शन ज्वाइंट कंक्रीट में ये मेनली तीन ज्वाइंट प्रयोग होता है जो तो नेक्स्ट है सिक्स नंबर में ऑर्डिनरी कंक्रीट जो यम टेन से लेके एम ट्वेंटी तक कंक्रीट को ऑर्डिनरी कंक्रीट कहा जाता है जैसे यम ट्वेंटी फाइव से लेके कर यम फिफ्टी फाइव तक रहेगा उसको हम स्टैंडर्ड कंक्रीट कहते हैं सेवन नंबर में है वो सेवन नंबर में है यम ट्वेंटी फाइव से लेके कर यम फिफ्टी फाइव तक जो कंक्रीट है उसे हम स्टैंडर्ड कंक्रीट कहते हैं जैसे एट नंबर में है यम सिक्सटी से लेके कर यम एटी तक जो रहेगा उसको हम हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट कहते हैं तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजियन रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ जैसे नाइन नंबर में जो क्वेश्चन है व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट इज कॉल्ड वाटर सीमेंट रेशियो तो वाटर सीमेंट रेशियो किसे कहते हैं जो वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट को रेशियो को ही वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट को रेशियो को ही वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं जो नेक्स्ट है टेन नंबर में कंक्रीट एज एज आफ्टर कास्टिंग एंड स्ट्रेंथ जैसे कंक्रीट को हम कास्ट कर लें कास्ट करने के बाद जो एक दिन के बाद जो हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो उस कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ आएगा सोलह परसेंट आएगा जैसे थ्री डेज के बाद हम जो कंक्रीट को हम स्ट्रेंड हम चेक करेंगे तो हमारा उसमें फोर्टी परसेंट स्ट्रेंथ आएगा ठीक है जैसे सेवन डेज के बाद जो हम चेक करेंगे तो सिक्सटी फाइव परसेंट एंड फोर्टीन फोर्टीन डेज के बाद नाइन्टी परसेंट एंड ट्वेंटी एट डेज के बाद नाइन्टी नाइन परसेंट स्ट्रेंथ अचीव करता है कंक्रीट जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एलेवन नंबर में द ग्रेड ऑफ ओ पी सी सीमेंट जो हमारा ओ पी सी सीमेंट है उसका कितने ग्रेड होता है वो कितने ग्रेड में अवेलेबल होता है मार्केट में एंड उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है जैसे जो ओपीसी जो हमारा सीमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलाइन सीमेंट वो थ्री ग्रेड में अवेलेबल होता है जो एक है थर्टी थ्री ग्रेड सेकेंड है फोर्टी थ्री ग्रेड जो थर्ड है फिफ्टी थ्री ग्रेड अब ये थर्टी थ्री ग्रेड का स्ट्रेंथ थ्री डेज के बाद सोलह न्यूटन पर एम स्क्वायर स्ट्रेंथ रहता है जैसे सेवन डेज के बाद ट्वेंटी टू न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे ट्वेंटी एट डेज के बाद थर्टी थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर कंप्रेसिव स्टेंट होता है ओपीसी सीमेंट का वो थर्टी थ्री ग्रेड जो थर्टी थ्री ग्रेड है ना थर्टी थ्री ग्रेड सीमेंट का जो नेक्स्ट है फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री ग्रेड का जो सीमेंट है थ्री डेज के बाद ट्वेंटी थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर स्टेंट अचीव करता है जैसे सेवन डेज के बाद थर्टी थ्री न्यूट्रन परम एम स्क्वायर जैसे ट्वेंटी एट डेज के बाद फोर्टी न्यूटन पर सॉरी ट्वेंटी एट डेज के बाद फोर्टी थ्री न्यूटन पर यूमएम स्क्वायर जो 53 ग्रेड है ओ सीमेंट का जो ग्रेड है फिफ्टी थ्री वो थ्री डे में 28 एट न्यूटन पर यमएम स्क्वायर कंप्रेसिव स्टैंड अचीव करता है जैसे सेवन डेज के बाद 37 सेवन न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड 28 डेज के बाद 53 थ्री न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव स्टैंड अचीव करता है ओपीसी सीमेंट जो ओपीसी सीमेंट वो थ्री ग्रेड में अवेलेबल होता है थर्टी थ्री थ्री एंड फिफ्टी थ्री ये मैं आपको फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूँ इसको आप अच्छे से याद कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन या बेसिक नॉलेज या इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्व नंबर में व्हाट इज द वर्केबिलिटी अब ये वर्कबिलिटी क्या है बहुत सारे इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर को अच्छे से पता नहीं होता है कि वर्केबिलिटी क्या होता है इस वीडियो में आपको पूरा ही डाउट क्लियर हो जाएगा कि वर्केबिलिटी होता है क्या है? आखिर में द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट विच डिस्क्राइब द इजी ऑफ प्लेसिंग कंपेक्शन एंड फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट इज कॉल वर्केबिलिटी प्लेसिंग करने में कंपेक्शन करने में एंड फिनिशिंग करने में बहुत ईजी होता है उसी कंक्रीट को हम लोग वर्कबिलिटी कहते हैं जैसे फ्रेश कंक्रीट की ओ प्रॉपर्टी जिस कंक्रीट को प्लेसिंग कंपेक्शन एंड फिनिशिंग करना फिनिशिंग करने में इजी होता है उस कंक्रीट को उसी कंक्रीट की वर्कबिलिटी कहा जाता है आई होप आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो चुका होगा कि वर्कबिलिटी क्या होता है द फ्रेश कंक्रीट की वो प्रॉपर्टी प्लेसिंग कंपेक्शन एंड फिनिशिंग करने में इजी हो उसी को हम लोग वर्कबिलिटी कहते हैं जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तेरह नंबर में स्टैंडर्ड साइज ऑफ कॉलम जो हमारा कॉलम है उसका स्टैंडर्ड साइज कितना तक होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ कॉलम जो हमारा कॉलम है कॉलम का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है जैसे हमारा फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग के लिए जो कॉलम साइज जो होगा 250 हंड्रेड फिफ्टी इंटू टू हंड्रेड तक होता है फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग के लिए जैसे सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग के लिए 300 हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड कॉलम का साइज जैसे थर्ड स्टोरी बिल्डिंग के लिए 700 हंड्रेड इंटू सेवन हंड्रेड तक होता है कॉलम का साइज जैसे चौदह नंबर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौदह नंबर में द शॉर्ट कॉलम फेल इन जो हमारा शॉर्ट कॉलम है वो किस में फेल होता है तो शॉर्ट कॉलम जो हमारा होता है फेल क्रॉसिंग में फेल होता है जैसे नेक्स्ट है फिफ्टीन नंबर में या पंद्रह नंबर में द लॉन्ग कॉलम फेल इन शॉर्ट कॉलम तो क्रॉसिंग में फेल होता है जैसे लॉन्ग कॉलम जो हमारा है वो बकलिंग में फेल होता है जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्सटीन नंबर में इंटरमीडिएट कॉलम फेल इन इससे पहले था वो शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम जो शॉर्ट कॉलम क्रॉसिंग में फेल होता है लॉन्ग कॉलम वो फेल बकलिंग में फेल होता है लॉन्ग कॉलम अब इंटरमीडिएट कॉलम जो इंटरमीडिएट कॉलम है वो किस में फेल होता है तो जो हमारा इंटरमीडिएट जो कॉलम है वो क्रॉसिंग एंड बकलिंग दोनों में ही फेल होता है जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेवनटीन नंबर में सीमेंट इन्ग्रेडियंट आर बर्न एट जो हमारा सीमेंट का इनग्रेडियंट वो कितने डिग्री टेम्परेचर वो बर्न होता है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में

विथ मोटार के साथ तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जैसे ट्वेंटी नंबर में जो है वन मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ़ ब्रिक होता है कितने नंबर ऑफ़ ब्रिक होता है वन मीटर क्यूब में तो इसका जो करेक्ट आंसर है फाइव हंड्रेड नंबर ऑफ़ ब्रिक होता है वन मीटर क्यूब में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए या डिप्लोमा होल्डर हो या सिविल इंजीनियर हो या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो ये एक आपको पता होना चाहिए ये बेसिक नॉलेज के साथ साथ ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको पता रहेगा तभी ना आप वहाँ पर एक्सप्लेन करके बता पाओगे अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या बताओगे उसी लिए इस वीडियो को फुल वॉक जरूर कीजिए तभी आपको अच्छी समझ में आएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे ऐसा पॉइंट में बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए या डिप्लोमा होल्डर के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी नंबर में नंबर ऑफ ब्रिक इन 230 mm ब्रिक वॉल जो हमारा 230 mm का जो ब्रिक वॉल है उसमें एक मीटर m³ में कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा ठीक है कितने नंबर ऑफ ब्रिक होता है जैसे 230 mm का जो हमारा ब्रिक वॉल है उसमें एक मीटर m³ में 496 नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा इंक्लूडिंग वेस्टेज के साथ उसमें जो वेस्ट ब्रिक जो होगा जो फूट जाएगा कोई भी अटट जाएगा तो भी इंक्लूड करने के बाद जो 496 ब्रिक लगेगा 230 हंड्रेड थर्टी एम एम टू हंड्रेड ब्रिक वाल जो रहेगा उसमें एक मीटर क्यू में टाइप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी नंबर में तो कंप्रेसिव स्टैंड ऑफ ब्रिक जो ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना कितना तक होता है जैसे हमारा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या फायर क्लास जैसे हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 हंड्रेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है कितना होता है वन हंड्रेड फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक जैसे सेकेंड क्लास ब्रिक है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेवेंटी के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है जैसे थर्ड क्लास ब्रिक है उसका थर्टी फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए या ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये फायर क्लास ब्रिक है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है तो हमारा फायर क्लास ब्रिक है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फायर क्लास ब्रिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर में टाइप्स ऑफ स्लम जो हमारा स्लम वो कितने टाइप्स का होता है तो स्लम जो मेनली थ्री टाइप्स का होता है एक है ट्रू स्लम एक है सेट स्लम जो थर्ड वाला जो है कोलेप्स स्लम जो नेक्स्ट